तो ठीक है दोस्तों, हम लोग समंदर के किनारे पहुंच चुके हैं यार, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी मछली मरी है जिसको तुम सामने देख सकते हो। अरे यार फ्रैंकलिन, ये कितनी बड़ी मछली है। हाँ मुझे पता है, और इसको किसी ने मार दिया है यार चॉप। तो फ्रैंकलिन बताओ क्या करना है। देखो मैंने सारे मॉन्स्टर को बुला लिया जितने समंदर के मॉन्स्टर है, मतलब सबको नहीं बुलाया लेकिन फिर भी मतलब हर लोगों को बुला लिया है, और इनसे पूछताछ करनी है ठीक है, किसने मारा है और बाकी और भी लोग है। क्या इन लोगों ने मारा है फ्रैंकलिन? देखो ये क्रैकन है जिसको तुम शायद जानते होंगे। फ्रैंकलिन जानता हूँ यार, मुझे भी नीचे उतार फ्रैंकलिन। एक मिनट यार, तो ठीक है आ जाओ देखते हैं। मेरे भाई ब्लू, तुझे क्या हो गया? क्या हो गया तुझे मेरे भाई? किसने तुझे मार दिया? हम बचपन से लेके 56 तक हमेशा समंदर में खेला करते थे मेरे भाई, तू मर गया क्या? मत रो गोडजिला, मत रो, हमारा भाई चला गया तो क्या हुआ, लेकिन हम लोग के दिल में जिंदा रहेगा ब्लूप मेरा भाई। ब्लूप, तुम्हारे मुंह की हमेशा मुझे याद आएगी। तुम समंदर में जिस तरह की आवाज निकालते थे, अब कभी कोई नहीं निकाल पाएगा मेरे भाई। मेरे भैया ब्लूप, कहाँ चले गए तुम? हम लोग को अकेला छोड़ गए, अब बिना तुम्हारे हम लोग कैसे जीवित रहेंगे मेरे भैया? बाप रे, बहुत ज्यादा इमोशनल सीन चल रहा है यहाँ पे। हाँ यार, उन लोग का भाई मर गया यार, कुछ तो उन लोग को तकलीफ तो होगी ना। वे चुप, उनको इतना ज्यादा तरस मत खाओ, हो सकता है उन तीनों में से किसी ने मारा हो और अब एक्टिंग कर रहे हो। हाँ ये भी हो सकता है। तो ठीक है, हट जाओ, पीछे हट जाओ, मुझे देख लो तो इस मछली को। तो मुझे कोई बता सकता है कि क्या हुआ था? टाइगर बताओ क्या हुआ। अबे फ्रैंकलिन, हमको कुछ नहीं पता भाई, आके देख गई मरी पड़ी थी और तीनों लोग रो रहे थे आसपास, हम क्या बताएं। अरे यार हमें इसका पता लगाना होगा, इसके खूनी के बारे में, कि किसने मारा इसको। ये इतनी बड़ी मछली है, अगर ये मरी है और अगर दोबारा हम इसको नहीं जिंदा किए तो पूरा समंदर का संतुलन बिगड़ जाएगा, बड़ी बड़ी सुनामी उठने लगेगी और पूरा लॉस सैंटोस बर्बाद हो जाएगा। तुम लोग समझ रहे हो ना? हां समझ रहा हूं फ्रैंकलिन। एडवेंचर हल्क, तुमको कुछ ना कुछ करना होगा। मैं समझ गया मुझे क्या करना है। हां ठीक है, जो भी समझ गए जॉक करो। और तुम? मैं और ये वाला दोनों भाई है हम लोग। अच्छा ठीक है, तुम लोग क्या कुछ कर सकते हो इसके बारे में? हम लोग की नाक बहुत तेज है और आंख भी बहुत तेज है और स्पीड भी बहुत तेज है, हम लोग किसी भी पकड़ सकते हैं। नाम बताओ, घर पर लाश पाओ। नहीं नहीं नहीं, किसी को मुझे मारना नहीं है, मुझे बस उस बंदे का पता लगाना है जिसने इस प्यारी ब्लूप को मारा है। अगर ब्लूप समंदर में नहीं रहेगी तो पूरी तरह से सब कुछ बर्बादी आ जाएगी यार, हमें इसे जल्दी जिंदा करके वापस भेजना होगा, लेकिन पता करना होगा कि आखिर मारा किसने, तभी हम कुछ कर सकते हैं। मेरे भाई के खूनी का पता लगाओ, नहीं तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे इंसानों। हाँ मेरा भाई ब्लूप, मेरा प्यारा भाई, अब उसके बिना समंदर बिल्कुल अधूरा हो जाएगा। मैं भी यार बहुत टूट गया अंदर से, हमारा तीनों जितने दिल है ना सब में बहुत तकलीफ जा रही है। देखिए मैं आप सब लोगों से वादा करता हूँ, मैं आपके भाइयों को कातिल का पता लगा कर रहूंगा, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। हाँ बिल्कुल, और कोशिश करोगे पता लगा ही लो, नहीं तो इस दुनिया को हम तबाह कर देंगे। देखो मेरा गॉडजिला भाई कितना रो रहा है। गॉडजिला तुम परेशान मत हो, हम इसके खूनी का पता लगा लेंगे। गॉडजिला परेशान मत हो। दोस्तों आप लोगों को क्या करना, वीडियो को लाइक करना प्लीज कर दो, नहीं तो ब्लू के कातिल का हम पता कभी नहीं लगा पाएंगे, हम इसका पता लगाना ही होगा। रिवेंजर चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन कैसे कैसे हम ढूंढेंगे? हमें पानी के अंदर जाना होगा, समझ रहे हो तुम? ओके ओके ठीक है, समझ गया। तुम लोग भी तैयार हो जाओ। हम लोग बहुत तेज भागते हैं, जहाँ कहोगे वहाँ चलेंगे, नाक के भी तेज, स्पीड भी, हमारा सब कुछ है। अरे बता चुके हैं, ठीक है। टाइगर तुम क्या कर सकते हो? हम एक काम ही कर सकते हैं, इन लोग को देखभाल करेंगे यहाँ पर आराम से, क्या कहते हो? ठीक है जो तुम्हारा समझ में आया करो, लेकिन एक बात याद रखना, हमें कातिल का पता लगाना ही होगा, अगर हम नहीं लगा पाएंगे तो हमारे ऊपर धिक्कार है, समझ रहे ना? परेशान ना हो यार, पता लगा लो, परेशान ना हो बिल्कुल भी। तो जो फ्रैंकलिन, हम टाइगर यहीं पे रहेंगे। ठीक है समझ गया सिंचैन। हे फ्रैंकलिन, और चुप तुम दोनों मेरे साथ। एडवेंचर हल्क, बताओ क्या हुआ? और एडी के साथ समंदर में गोता लगाकर तुम जाकर ब्लूप की आत्मा को ढूंढेंगे, समझ गए ना? ठीक है समझ गया समझ गया। जैसे भी तुम्हें मिले तुरंत मुझे इत्तला करना, ठीक है ना? हमें उसकी आत्मा वापस उसके शरीर में डालना है, उसको जिंदा करना है, नहीं तो हमारी तबाही समझो। ठीक है समझ गया समझ गया, हमें ब्लूप को बचाना है। हाँ यही तो कहना है, कब से कह रहे हैं तुमको, तो जाओ 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 जाओ, जल्दी करो जाओ। ठीक है तुम दोनों भाई चलो मेरे पीछे आओ, जल्दी करो। आराम से भाई आराम से, आराम का काम कोई लायक का नहीं होता, हमें जल्दी और तेज करना होगा। ठीक है आ रहे आ रहे आ रहे। तुम लोग को तैरना तो आता है ना? हाँ सब कुछ आता है, हम लोग सांस भी ले लेते हैं पानी के अंदर। ठीक है चलो जल्दी करो। तब ब्लूप की आत्मा में ढूंढनी होगी जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके। ठीक है मॉन्स्टर लोग मेरी बात सुनो, काइजू गॉडजिला और हाँ क्रैकन। हाँ बोलो। देखो मैंने सारा सेटलमेंट कर दिया, ठीक है, मैंने उधर रेवेंजर हल को भेज दिया उसकी आत्मा ढूंढने के लिए, बाकी मैं ले जा रहा हूँ इसको लैब में टेस्टिंग करने के लिए, आखिरकार किसने इसको मारा पता लगाना बहुत जरूरी है, समझ गया ना? ठीक है ब्लूप ठीक हो जाना चाहिए, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम्हारे लॉस सैंटोस को हम नहीं छोड़ेंगे। याद रखना फ्रैंकलिन, मेरे पास न्यूक्लियर एक्सप्लोजर है, पूरे
लॉस सैंटोस को तबाह कर दूंगा अगर मेरा ब्लू भाई ठीक नहीं हुआ तो। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ मैं उसे ठीक कर दूंगा, आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्लीज कुछ मत करिएगा। हाँ जाओ और उसे ठीक करके लेकर आओ, अपने भाई ब्लू की साथ हम भी जाएंगे। नहीं 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 क्रैकन तुम नहीं जा सकते साथ में, देखो हमें लैब जाना होगा, लोग तुम्हें देख के डर जाएंगे, तुम एक समुद्री मॉन्स्टर हो, तुम्हें वापस जाना होगा समंदर के अंदर। नहीं 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 हम चलेंगे नहीं। अरे यार मैं तुमको नहीं ले जा सकता, बात समझने की कोशिश करो। तो ठीक है फिर मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। नहीं क्रैकन अभी कुछ नहीं करना, इन लोगों को मैंने टाइम दिया है, जब तक ब्लूप को ठीक कर ले बाद में देख लेंगे इन्हें। तो मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले चलता है, मैं भी चलूंगा। यार बेवकूफ समझने की कोशिश करो, तुमको लेकर जाएंगे तो पूरे लोग भड़क जाएंगे, कोई इसको छुएगा तक भी नहीं, तुम्हारे ब्लूप भाई कभी जिंदगी में ठीक नहीं हो पाएगा। हाथ में मिलने के बावजूद भी उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें करनी पड़ेंगी ब्लूप को वापस जिंदा करने के लिए, समझ गए नहीं तुम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि मुझे ये पता लगाना होगा आखिरकार मारा किसने, हो सकता है तुम में से किसी ने मारा होगा, क्या पता बाद में लेकिन पता चल जाएगा, परेशान मत हो। चलो चलते हैं आ जाओ, हमको ब्लू को लैब ले जाना होगा, ठीक है। चलो फ्रैंकलिन जल्दी करो निकलते हैं नहीं तो टाइम खत्म हो जाएगा। चॉप जल्दी करो बैठो आप। अरे ये तुम आगे जा रहे वेल, जल्दी करो चॉप, ये बैठ गया यार वेल। चलो फ्रैंकलिन ठीक है, तुम लोग ध्यान रखना टाइगर। हाँ ठीक है ठीक है। तो हमको ब्लू को जल्दी लैब ले जाना होगा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। लेकिन फ्रैंकलिन अगर ब्लू को हम ठीक नहीं कर पाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम परेशान मत हो, वो जितनी ज्यादा नौटंकी कर रहे हैं ना उनमें से किसी ने मारा मैं जानता हूँ। किसने मारा होगा फ्रैंकलिन? देखो गॉडजिला तो नहीं मारा होगा क्योंकि गॉडजिला एक सही बंदा है, बात करें उस काइजू भी ना वही मार सकता है या फिर वो क्रैकन। फ्रैंकलिन हम नहीं जानते, मुझे पता हम नहीं जानते, ये तो मैं किसी पे इल्जाम नहीं रख रहा हूँ अभी, लेकिन पता बहुत जल्द चल जाएगा। कैसे फ्रैंकलिन? हम इसे लैब ले जाएंगे, इसकी ब्लड सैंपल लेंगे और उसका टेस्ट करेंगे कि आखिर मारा किसने इसको। ठीक है फ्रैंकलिन समझ गया, इसीलिए तुम लैब जा रहे हो क्या? हाँ इसीलिए मैं लैब जा रहा हूँ, हमें पता करना होगा। ठीक है फाइनली हम लोग लैब आ गए, जल्दी ब्लू का ब्लड सैंपल लेते हैं और पता लगाते हैं कि आखिरकार इसको मारा किसने। ठीक है आ जाओ जल्दी करो। इसको अंदर कैसे ले जाएंगे फ्रैंकलिन, ये तो इतनी बड़ी है। मुझे पता है ये बड़ी है, हम अंदर नहीं जाएंगे। हाँ ये फ्रैंकलिन वेल, यार ये बड़ी तो सच में बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं सारे इक्विपमेंट बाहर लाके इसका चेकअप करना होगा। ठीक है तुम लोग यहीं पर रहो, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है फ्रैंकलिन जल्दी लेकर आओ, मैं यहीं पर हूँ, देर मत करना फ्रैंकलिन। नहीं ज्यादा देर करूंगा, बस लेके आ रहा हूँ। अब कितने अंदर और जाना होगा, तुम लोग को कुछ मिला कि नहीं? कहाँ गए तुम लोग बेवकूफ, कहाँ गए ये लोग? यार अब इनको ढूंढना पड़ेगा। अरे तुम लोग उधर क्या कर रहे हो? अरे हम लोग को कुछ देखा इधर आओ जल्दी आओ। अरे यार ठीक है, कुछ क्लू मिला क्या? क्या लगता है ब्लू की आत्मा कहाँ पर है? अरे आओ तो आओ, घास के अंदर दिख रही है हमको, जल्दी करो। ठीक है आ रहा हूँ। यार थक गया भाई, कहाँ पर है? इस घास के अंदर ढूंढो। यहाँ कहाँ मिलेगी? ठीक है देखता हूँ कहाँ है। मिल गए कहाँ? ये जल्दी करो इधर। ओके ठीक है आ रहा हूँ। ओह ये रे ब्लू, इसकी आत्मा तो यहाँ पे पड़ी हुई। यार कुछ करना होगा, मैं जल्दी इसको ले चलना होगा। अबे इसको हम लोग छू नहीं सकते भाई, ये आत्मा है, लेकिन आत्मा इतनी सुस्त क्यों है पता नहीं। अबे यार आखिर मारा किसने होगा इसको? इसकी आत्मा किसी ने बाहर निकाल कर यहाँ पर सुस्त करके फेंक दी है। यकीन नहीं होता यार, क्या करे फिर, ले जाना होगा यार ये फ्रैंकलिन को। कॉन्टेक्ट करो जल्दी, जल्दी करो हमारे पर रुक नहीं है, हमारी सांस खत्म हो रही है। तुम तो कह रहे थे तुम बहुत देर तक पानी में रह सकते हो। अरे जिसको ढूंढने आए थे मिल गया, हम बुलाओ फ्रैंकलिन को, जल्दी बुलाओ। ठीक है बुलाता हूँ। फ्रैंकलिन क्या तुम सुन रहे हो? फ्रैंकलिन नहीं, ये क्या है? भागो जल्दी करो मैं मानता हूँ। अबे भागो मॉन्स्टर, नहीं रेवेंजर को खा गए भाग भाई तू भी भाग। हाँ भैया को मार दिया, नहीं भैया हमें जल्दी निकल के भागना होगा। मम्मी भैया को खा गए, नहीं जल्दी मुझे बाहर निकलना होगा, यही मॉन्स्टर ने मारा होगा उसको भी ब्लूप को भी, जल्दी। ये सारी चीजें आ चुकी है, अब हम क्या करते हैं ब्लूप का टेस्ट करते हैं। ठीक है उम्मीद करते हैं कि रेवेंजर्स लोगों को उसकी आत्मा मिल गई हो, है कि नहीं? फ्रैंकलिन मुझे नहीं लगता है। क्यों ऐसा क्यों? मुझे कुछ गड़बड़ फील हो रहा है फ्रैंकलिन। देख कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। बस दोस्तों आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि हम सब कुछ कर सकें आराम से, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, ब्लू लिख दीजिएगा प्लीज, इससे हम ब्लू को आराम से जिंदा कर सकें। ठीक है ऊपर मैं चढ़ता हूँ। ठीक है तो ठीक है, मैं इसके ऊपर यहाँ पर एक इंजेक्शन लगाता हूँ, लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ? क्या हुआ फ्रैंकलिन, क्या पता चला? बताओ ना यार फ्रैंकलिन, जल्दी करो वेल। इसकी स्किन में देखा यार, ऐसा लगता है कि क्रैकन ने मारा है। इसकी स्किन में क्रैकन्स के बाल मिल रहे हैं मुझे,
ऐसा लगता है उसी ने मारा है। ऐसा नहीं हो सकता फ्रैंकलिन, वो कैसे मार सकता है? मुझे नहीं पता, लेकिन क्रैगन नहीं मारा है। हम क्रैगन को छोड़ेंगे नहीं, चलो क्रैगन के पास। मुझे पता था कि वही मारा होगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा नौटंकी वही कर रहा था ना, उसने मारा है। फ्रैंकलिन सच बताने, हाँ, इसके पूरे स्किन में मुझे क्रैगन के जहर वाले बाल मिले हैं, समझ रहे ना तुम, उसने इसको जहर दिया। लेकिन क्यों फ्रैंकलिन? अब हमें उससे पूछना होगा, चलो जल्दी करो जल्दी करो। लेकिन हम किससे पूछ लेंगे फ्रैंकलिन? हमारे पास दो और है ना, गॉडजिला और काइजू, वो पूछेंगे उससे। फ्रैंकलिन रिविजन को फूल लगा, पूछो उससे आत्मा मिली कि नहीं। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा यार, मैंने तो वो पूछा ही नहीं। ठीक है लगाता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मैं यहाँ पर बच जाऊंगा, बस सब बचा, नहीं तो आज मैं गया ही था। क्या वो सबको मार देगा नहीं तुमने? अरे ऊपर कौन है यार, देखो थोड़ा। मैंने सबको मारने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक भाग गया। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हम सब मारे जाएंगे, बेवकूफ कहेंगे। क्या तुम्हें पता है कि ब्लूप को मारने के लिए मेरा आधा खानदान सफा हो गया बेवकूफ? लेकिन तुम यहाँ पर एक है बेवकूफ रेवेंजर को नहीं मार पाए, कहाँ निकल गया वो? पहले ये बताओ कि ब्लूप को मारने के क्या इनाम है हमारे? तुम्हें पता है कि ब्लूप कितनी बड़ी प्रजाति है? अगर वो यहाँ पर बढ़ गई तो हमारा राज खत्म हो जाएगा, उसको मारने से तुम्हारा भी फायदा है। समुद्र का कौन सा हिस्सा हमारा होगा? हम बाद में देखेंगे, पहले जाके उस रेवेंजर को खत्म करो, समझ गए कि नहीं तुम? नहीं तो अगर उसको आत्मा मिल गई हो, ले जाकर ब्लूप के अंदर डाल दे तो तुम उगल देगा। इन सब के पीछे क्रैकन का हाथ है। क्रैकन अभी तक आया क्यों नहीं? वो तो बहुत देर से गया है। अरे रो रो के उसका बुरा हाल हो गया, तो मैंने ही बोल दिया जाओ घर पे आराम कर लो। उसे जल्दी बुलाओ, नहीं तो मैं कार्रवाई करूंगा। अच्छा रुको, बुलाता हूँ बुलाता हूँ। फ्रैंकलिन कब ठीक करेगा मेरे ब्लू भाई को? थोड़ा इंतजार करो, वो ठीक कर देगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, फ्रैंकलिन अपने बात का पक्का है, वो ठीक कर देगा। हर समझ में नहीं आता, रेवेंजर के पास फोन लग नहीं रहा, कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। हाँ अरे वो क्रैकन भी नहीं है यार, जरूर कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। ठीक है फ्रैंकलिन, मुझे भी लग रहा है। आ जाओ बाहर देखते हैं, टाइगर से पूछते हैं मामला क्या है। टाइगर टाइगर, हाँ फ्रैंकलिन बताओ क्या हुआ? वो क्रैकन कहाँ गया? और क्रैकन के साथ में रेवेंजर्स वगैरह कहाँ है? रेवेंजर्स के तो तुमने ही पानी में भेजा था। अरे हाँ मैं तो भूल गया, ठीक है मैं उसके पास कॉल लगा रहा था, लग नहीं रहा था, लगता है कुछ तो जरूर गड़बड़ है अंदर। फ्रैंकलिन कुछ मिला ही नहीं। हाँ मुझे पता चल गया है किसने इसको मारा है, तुम्हारे भाइयों को किसने मारा है मुझे पता चल गया है। किसने मारा मेरे भाई को, नाम बताओ। हाँ नाम बताओ। तुम्हारे दोस्त क्रैकन ने मारा है उसको, क्रैकन ने उसको जहर दिया था। इंसान तुम अपनी नाकामयाबी छुपाने के चक्कर में उस पे कला दिल जाम रखते हो, मैं तुम लोगों को अभी बताता हूँ। खत्म कर दो इंसानों को, मार दो। नहीं बेवकूफ, ये लगता है पूरी तरह से पागल हो चुके हैं, हमें कुछ ना कुछ जल्दी करना होगा। आइला अब हम क्या करें, ये लोग हम पे हमला करने वाले, पूरा लास्ट डुबा देंगे ये लोग। फ्रैंकलिन हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा, रेवेंजर हाउस की बिल्कुल भी कॉन्टेक्ट नहीं हो पर मैं कैसे उनसे कॉन्टेक्ट करूँ? तुम लोग क्यों नहीं सुनते मेरी बात? तुम लोग ध्यान से सुन ही नहीं रहे हो, तुम्हारे भाई क्रैकन ने मारा है ब्लूप को। पत्थर बरसाओ काजू। ठीक है भाई। ओ नहीं 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 नहीं, हमें जल्दी करना होगा, निकलना होगा यहाँ से। अब क्या करें फ्रैंकलिन, ये लोग हम पे हमला करने वाले हैं, ऊपर से पहले ही उन्होंने पत्थर से हमला कर दिया, हमें जल्दी करना होगा। आए लो, मेरा क्या काम है, मेरा क्या काम है फ्रैंकलिन? तुम एक काम करो, तुम इन लोगों को संभाल के रखो, ठीक है? तुम लोग सब लोग, मैं पानी के अंदर जाता हूँ। फ्रैंकलिन तुम्हारे पास कोई भी बिल्कुल भी वाटर सूट नहीं है, मर जाओगे फ्रैंकलिन। मेरे पास है, मेरे कार में, मैं जल्दी पहन के जाता हूँ जल्दी, मुझे पानी के अंदर जाना होगा। बहुत हुआ इंसानों का, तुमने मेरे भाइयों को मार दिया, ये लो मार दूंगा तुम सबको। क्या तुम लोग ठीक हो? मैं ठीक हूँ फ्रैंकलिन, जाओ जल्दी जल्दी करो। मुझे जल्दी करना होगा, कार वो खड़ी है उसके अंदर जल्दी सूट निकालता हूँ। सिंचैन तुम ठीक हो ना? सिंचैन कहाँ हो सिंचैन तुम? मैं यहाँ हूँ फ्रैंकलिन, जाओ जल्दी करो जल्दी करो। रुक जाओ अभी बताता हूँ तुझे। अरे नहीं, उसके एटॉमिक ब्रीथ बनने से पहले मुझे सूट जल्दी बाहर निकालना होगा, ठीक है? अरे नहीं नहीं, ठीक है सूट मैंने पहन लिया। नहीं अब फ्रैंकलिन हम लोग क्या करें? अब एक काम करो, चॉप को ले जाओ, ठीक है? तुम लोग सब जाओ, हम जो करना है मुझे करना है, क्योंकि सुनामी बहुत तेज उठने वाली है, ये लोग सुनामी लेकर आएंगे। ठीक है फ्रैंकलिन, मैं समझ गया, चलो निकलते हैं। ठीक है मैं जा रहा हूँ समंदर के अंदर। ये कहाँ जा रहा है गॉडजिला, कहाँ जा रहा है? मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ठीक है? मुझे जल्दी अंदर जाना होगा, जल्दी करना होगा, मुझे ब्लूप के हाथ में जल्दी ढूंढनी होगी। न जाने रिवेंजर कहाँ गया और दोनों रैप्टर कहाँ निकल गए, लगता है वो सारे मारे गए मेरे ख्याल से, जाने मुझे लगता है, क्योंकि उनका कोई भी हाथ पता नहीं है दोस्तों। न जाने ये क्यों हो रहा है, और बहुत जल्द सुनामी भी उठने वाली है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा गैस नहीं है ज़्यादा देर तक। बस आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है प्लीज़ कर देना यार। रिवेंजर कहाँ हो तुम, कहाँ गए तुम?
अरे चलो जल्दी करो जल्दी करो, बाप रे यहाँ पे तो बहुत बुरा हालत हो गई है। अरे नहीं, पानी बहुत ऊपर तक आ गया है, सुनामी बढ़ने लगी है, जल्दी करो। हमने फ्रैंकलिन को, ओ नहीं, चल तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं मेरे भाई? नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, यहाँ से निकलना होगा। चलो जल्दी करो नहीं तो पत्थर ऐसे गिरते रहेंगे, हमें कोई शेल्टर ढूंढना होगा, जल्दी करो जल्दी करो। आयला फ्रैंकलिन का क्या होगा, बहुत बड़ी बड़ी लहरें हैं। मुझे पता है टाइगर, हम कुछ नहीं कर सकते, ये फ्रैंकलिन का, अरे बाप रे पत्थर गिर ही रहे हैं, चलो भागो 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 जल्दी करो, हम रुक नहीं सकते। रिवेंजर, हाँ तुम बेवकूफ, मैं बाहर जाके देखता हूँ, ऐसा लगता है पानी बहुत बढ़ गया है, पत्थर अंदर आ रहे हैं, गॉड जिला लोगों का आतंक शुरू हो गया बहुत तगड़े से, पानी का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दोस्तों बस अब आप लोग के वीडियो के लाइक ही कुछ करा सकते हैं। अरे बाप रे बाप, इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी लहर, ये तो डेल पेरो वाला वो था जो डूब चुका है पूरी तरह से। नहीं नहीं नहीं, मुझे जल्दी जाकर रिवेंजर को ढूंढना होगा, नहीं तो खत्म कर देंगे, तबाह कर देंगे, साथ में ब्लूप की आत्मा भी। ठीक है मुझे अंदर जाना होगा, कुछ भी हो, एक मिनट एक मिनट, ये तो ब्लू है, ब्लू ये मर चुका है पूरी तरह से, मार दिया इसको किसी ने, यही पे रिवेंजर को भी होना चाहिए, और रैप्टर का पता नहीं, रैप्टर पता नहीं कहाँ गया, रिवेंजर और रैप्टर को मुझे ढूंढना होगा। ठीक है नीचे जाना होगा एकदम बिल्कुल गहरान में मुझे, चल 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 जल्दी कर फ्रैंकलिन, जल्दी कर जल्दी कर फ्रैंकलिन, नहीं तो हम मारे जाएंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा। रिवेंजर रिवेंजर, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? रिवेंजर, अबे रिवेंजर कहाँ हो बेवकूफ, न जाने कहाँ है वो, एक मिनट पूरा, रिवेंजर रिवेंजर सुन, रिवेंजर अबे मर गया क्या, सुन क्यों नहीं रहा है, जल्दी पहुँचता हूँ, रिवेंजर सुनो मेरी बात, बेवकूफ उठ जाओ, रिवेंजर अबे यार इसको हुआ क्या, ये सदमे में है क्या, ये मैं हूँ फ्रैंकलिन, रिवेंजर हे, अरे यार ये लगता है जम गया है, कुछ तो इसको हुआ जरूर, मुझे नहीं पता, मुझे जाकर अब आत्मा को ढूंढना होगा, तो मुझे मिल गया है, वो आत्मा के आसपास कहीं होनी चाहिए, इसने कुछ ना कुछ तो जरूर देखा है जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है जाता हूँ, यार ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, दोस्तों बस आप लोग वीडियो से लाइक करते रहना ठीक है। ये क्या, अरे अरे नहीं 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 नहीं, ये तो वही है, ये ब्लू की आत्मा है, अरे वाह यार मुझे मिल गए, मुझे इसको ले जाना होगा यहाँ से जल्दी, जितनी जल्दी होगी यहाँ से निकालना होगा मुझे इसे, रिवेंजर ने तो इसको पा लिया था लेकिन वहाँ पे क्यों बैठा हुआ है, खैर मैं सबको छोड़ के जल्दी इसको लेके निकलता हूँ। ठीक है मेरे पास वो वाला इंजेक्शन है जिसको मैं आत्मा को उसके अंदर डाल सकता हूँ, अभी ले जाकर इंजेक्ट कर दूंगा, सही हो जाएगी ब्लूप। दोस्तों ये कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है, लॉजिकल चीज़ है, अगर आपको ना पता तो आपको पता होना चाहिए कि आत्मा कोई चीज़ में कैद कर सकते हैं, मैं एक सीसी में कैद कर लेता हूँ उसको। ठीक है तो ठीक है, हम मुझे जाकर रिवेंजर को ठीक करना होगा। रिवेंजर कहाँ गया वो, न जाने किस चीज़ से इतना ज़्यादा वो डरा हुआ है, यहाँ पे तो मुझे कोई दिख भी नहीं रहा है। ठीक है रिवेंजर बोरा, चलो मैं निकलना होगा, हमें निकलना होगा, हमारे पास वक्त नहीं है, चलो इसको लेके यहाँ से निकलता हूँ, ये मेरे पूरे ऊपर लदा हुआ है। रिवेंजर ठीक हो जाओ यार, हमें निकलना होगा, उन्होंने पूरे लॉस सेंटोस को तबाह कर दिया है रिवेंजर, यार ये कर क्या रहा है बेवकूफ, बस पहुंच ही गए। अरे नहीं नहीं, तू कहाँ जा रहा है, नहीं जल्दी जल्दी करना होगा, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, क्रैकन जल्दी करो क्रैकन, आत्मा लेके भाग जाएगा, मैं इसको निकल नहीं सकता, इसके हाथ में ब्लूप की आत्मा है, क्रैकन जल्दी कर बे, आ रहा हूँ मैं, खा जाऊंगा इसको, मार दो जल्दी कर, छोड़ना ना इसको, हम इसे नहीं मार सकते क्योंकि इसके पास उसकी आत्मा की डिब्बी है, इसके जेब से निकालना होगा, जल्दी कर क्रैकन, ठीक है मैं करता हूँ रुक जा, मेरे पास यही मौका, जल्दी निकलना होगा, इस क्रैकन ने इसको मारा, ये बात तो कंफर्म हो गई, काश उसकी बॉडी मिल जाए मुझे, क्रैकन जल्दी कर, ये भाग रहा है, जल्दी कर नहीं तो हम इसे नहीं मार पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, अरे ये क्या, ये तो ब्लूप की बॉडी है, यहाँ पर कैसे आ गई, ब्लूप की बॉडी इसको मिल गई, नहीं हम दोनों मारे जाएंगे क्रैकन, अबे मैं कर रहा हूँ कुछ, मैं कर रहा हूँ, ब्लू मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगा, ठीक है जल्दी जल्दी। बॉस बहुत हुआ, क्या कर रहे हो क्रैकन तुम? ब्लू मेरे भाई तुम जिंदा हो गए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरे भाई, है ना बहुत खुश है मेरे प्यारे भाई ब्लू, आई लव यू। नहीं मिस्टर ब्लू, मैंने सुना है ये दोनों आपको मारना चाहते थे। मुझे पता है कि ये दोनों मुझे मारना चाहते हैं,
और मारना चाहते थे। नहीं मेरे भाई, ये सब साजिश है इन दोनों की। मैं तुझे नहीं मारना चाहता, तू तो मेरा लगता है जिगर है, तेरी वजह से मैं कितना रोया हूँ। नहीं ब्लू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं यार, हम तुम्हें नहीं मार सकते भाई। आई लव यू, वी लव यू। ब्लू तुम्हें जल्दी ऊपर चलना होगा, तुम्हारे दो और भाई गॉडजिला और काइजू ऊपर तबाही मचा रहे हैं, पूरी तरह सुनामी ला चुके हैं। तुम्हें जल्दी चलना होगा, जल्दी मेरे साथ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया फ्रैंकलिन, लेकिन पहले इनका काम खत्म करके चलता हूँ। नहीं ब्लू, मुझे मत मानना प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। ब्लू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह लेने की? नहीं ब्लू, मुझे मत खा मेरे भाई। अब तुम्हारी बारी, खामो खा, तुम मारे जाओगे अब। नहीं 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 ब्लू, मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ। मैं तुम्हें पूरा पूरा खा जाऊंगा। नहीं ब्लू, नहीं। अरे आपने तो उसको पूरा खा लिया। चलिए ठीक है, बाहर चलते हैं। ठीक है, चलो ऊपर चलो, चलते हैं। तो ठीक है ब्लूप, आप अपना समंदर को अच्छे से बचा कर रखिए, बाकी तुम दोनों पहले सोच लिया करो कुछ करने से पहले। मुझे माफ कर दो फ्रैंकलिन, इतनी तबाही मचाने के लिए तुम्हारे शहर में। मुझे पता नहीं था कि सबसे बड़ा सांप हमारे बीच में था। मुझको कभी नहीं लगा था कि क्रैकन ऐसा कर सकता है। जिस पे शक नहीं होता तो वही तो करता है ना। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया फ्रैंकलिन, अगली बार मदद पड़ेगी तो फिर तुम्हें बुलाएंगे। हमेशा तैयार हो मेरी टीम में, लेकिन बस मुझे इतनी तकलीफ है कि मेरे दो लोग मारे गए। मुझे माफ कर दो फ्रैंक, लेकिन इसकी कीमत मैं चुकाऊंगा, तुम परेशान मत होना। चलो फिर चलते हैं फ्रैंकलिन, गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय फ्रैंकलिन। तुमने बहुत अच्छे काम किए फ्रैंकलिन, तुमने ब्लू को बचा लिया। आईला बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। मेरे बिरादरी वाले बस चले गए बेचारे, मैं बहुत डर गया था। मुझे माफ कर देना फ्रैंकलिन, अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा। तू तो डरपोक है, खाली दिखने में बस खाली दिखता है रिवेंजर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो पूरी देख ली है, इसका मतलब ये है कि आपको वीडियो मजा आ रही है। प्लीज अगर अभी अगर चैनल को सब्सक्राइब या फिर वीडियो को लाइक नहीं करा तो कर दो, मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।